अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आज हम मैथ्स का पेज नंबर 83 to 85 करेंगे। लेक्चर नंबर है 23। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन यूजिंग टाइम्स टेबल्स। इफ़ यू नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, डिवीजन बिकम्स इजी। देखें, लुक एट द पैटर्न, 6 9s are 54। अब आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। 6 9s are 54 है, 54 डिवाइडेड बाय 6 करें, 6 का टेबल पढ़ें 9 तक, तो 6 9s are 54। ठीक है, ये आपका सम जो आपने सॉल्व किया ये करेक्ट है। अब ये देखें, ये है 9 6s are 54। अब 54 डिवाइडेड बाय 9 करें, 9 6s are 54 आ जाएगा। अब ये है डू दी सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 6, 6 6s are 36। आपने 6 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 36 आ गए, 6 6s are 36। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए चेक करें, इस 6 का टेबल 6 तक पढ़ें, 6 6s are 36। अब ये देखें, ये है 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ें, 5 9s are 45, 5 9s are 45। अब इसको आप चेक करें, 5 का टेबल 9 तक पढ़ें, 5 9s are 45 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आपने चेक करना है। डिवीजन का सम आपने सॉल्व किया है, इसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए चेक कर लें। 5 का टेबल 9 तक पढ़ें तो 45 आ जाता है। ठीक है, 5 9s are 45, ये आंसर आपका ठीक है। अब ये देखें, ये है 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल पढ़ें, 4 7s are 28, 4 7s are 28, 4 का टेबल पढ़ें। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 7 करें, 4 7s are 28, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2s are 18, 9 2s are 18। अब 9 का टेबल आप 2 तक पढ़ें, 9 2s are 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 को 7 से डिवाइड करें। ठीक है, 7 6s are 42, आप 7 का को मल्टीप्लाई बाय 6 करें, 7 6s are 42। 64 डिवाइडेड बाय 8 है, 8 8s are 64, अब 8 को मल्टीप्लाई बाय 8 करें, 8 8s are 64, 8 7s are 56, 8 7s are 56, अब 8 को मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 56 आ जाता है। 9 8s are 72, 72 डिवाइडेड बाय 9 है, 9 8s are 72, अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 9 8s are 72। इस तरह से जो बच्चों सम्स रह गए उनको आप कंप्लीट करें। अब ये है जॉइन दी सम्स टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने इन सम्स को सॉल्व करना है और उनको करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। ये देखें, ये है 80 डिवाइडेड बाय 10, 10 8s are 80। इधर ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके साथ आपने जो अगर करेक्ट जो आंसर है उसके साथ इन नंबर्स को आप मैच करते जाएंगे। देखें, 8 10s are 80 है, इसको आप 8 के साथ मैच कर देंगे। 4 5s are 20, 4 5s are 20, ये देखें, इस 5 के साथ इसको मैच करेंगे। ये है 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7s are 25, 63 डिवाइडेड बाय 7, 7 9s are 63, 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4s are 24, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2s are 18, 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 3s are 27। ठीक है, इधर मैच करेंगे। 70 डिवाइडेड बाय 7, 7 10s are 70, 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6s are 42, 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8। इस तरह से आपने इन सम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब हम करते हैं पेज नंबर 84, मोर अबाउट डिवीजन। ठीक है, हमारा टॉपिक है मोर अबाउट डिवीजन। राइट डिवीजन लाइक दिस। देखें, ये हमारे पास 5 बॉल्स हैं और हर बॉल पर कितने ये डॉट्स बने हुए हैं, 3। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, टोटल हमारे पास ये कितने डॉट्स आ गए, 15, और बॉल्स कितने हैं, 5, 5 3s are 15। दिस फॉर्म इज़ फाइन फॉर वेरी सिंपल सम्स। अगर सिंपल सम्स हों, इजी वाले, तो उनके लिए तो ये फॉर्म बहुत फाइन है।
वी कैन ऑल्सो राइट देम लाइक दिस, हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें ये 15 डॉट्स थे, इसको हमने 5 के साथ इस तरह से डिवाइड किया, 5 3 15 आ गए, 5 3 15। दिस हेल्प अस डू सम्स विद बिग नंबर्स, ये वाली जो फॉर्म है ये हमें बिग नंबर्स को के वाले सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लुक एट द न्यू फॉर्म, इट इज़ नॉन एज लॉन्ग डिवीजन, इट इज़ नॉन एज लॉन्ग डिवीजन। जो आपने अभी ये वाली फॉर्म की है इसको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हेयर इज़ द नंबर टू बी डिवाइडेड, इट इज़ कॉल्ड द डिवाइडेंड। देखें ये 15 है, इसको आप डिवाइडेंड बोलेंगे, 15 को आपने डिवाइड करना है ना, तो ये डिवाइडेंड है, ठीक है। हेयर इज़ द नंबर विच डिवाइड्स, इट इज़ कॉल्ड द डिवाइज़र, जिस नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है वो डिवाइज़र है, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। द नंबर विच कम्स आउट एट द एंड इज़ द क्वोशेंट बोलेंगे इसको, ठीक है, क्वोशेंट बोलेंगे। अब ये देखें, ये 5 3 15 है, तो जो 3 है वो आपका क्वोशेंट है, ठीक है। अब है लॉन्ग डिवीजन, पेज नंबर है 85। देखें ये हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 5, आप 15 आपका डिवाइडेंड है, 5 डिवाइज़र है, 5 का टेबल पढ़े, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। देखें अब आपका क्वेश्चन क्या आया है, 3, 5 3s are 15, ये है 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, डिवाइडेंड आपका 14 था, डिवाइज़र आपका 7 है, डिवाइज़र जो है 7, उसको टेबल पढ़ें, 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो इधर आपका क्वेश्चन जो है 2 आ जाएगा, 7 2s are 14 आ जाएगा। ये है 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 24 आपका डिवाइडेंड है, डिवाइज़र आपका 6 है, 6 4s are 24, क्वेश्चन आपका 4 आ गया, ठीक है। अब ये है 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5s are 25 आ जाएगा, 5 5s are 25। अब ये है 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 3s are 27। ये है 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6s are 18, 3 6s are 18। ये है डिवाइडेंड आपका 28 है, डिवाइज़र आपका 4 है, 4 7s are 28। आपका क्वेश्चन आएगा आपका, देखें 4 7s are 28, 7 आ गया, ठीक है। 9 4s are 36, 9 4s are 36, और 5 8s are 40। इस तरह से बच्चों जो साम्स आपके रहते हैं उनको आप खुद सॉल्व करें और इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।